नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी भोपाल में आदि महाराज बलि पुनरुत्थान कल्याण संघ प्रदेश अध्यक्ष मालवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नगर पंचायत नेमावर तहसील खातेगांव जिला देवास में आदिवासी निर्धन परिवार के साथ स्वर्ग समाज राजपूत क्षत्रिय वर्ग के आरोपियों ने 13 मार्च 2021 की देर रात्रि में जघन्य अपराध किया गया है। हमारे संगठन की टीम 10 जुलाई 2021 को उपयुक्त पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी और इस घटना को भी जाकर देखा गया। साथ ही घटना की वास्तविक जानकारी जानने हेतु पीड़ित परिवार के सदस्य और आसपास के लोग व अन्य स्थानीय लोगों से जो जानकारी प्राप्त हुई उसे ज्ञात हुआ है कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। दिव्यांश राज मालवी प्रदेश अध्यक्ष आदि महाराज बलि पुण्य उत्थान कल्याण संस्था द्वारा यह बताया गया है कि पीड़ित के साथ न्याय नहीं मिलता है, जबकि आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस की साठगांठ और राजनीति दबाव के चलते पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वयं मंत्री कमल पटेल नेमावर पहुंचे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया। भोपाल से संवाददाता सहूद सिद्दीकी की रिपोर्ट। पूरा मैं तो कह रहा हूँ, पूरा स्टाफ मिला हुआ वहाँ का थाने का, और इसीलिए हटाया गया है। थाना प्रभारी को चेंज किया है, थाना प्रभारी उसमें से अपराधी है, क्योंकि वो सेंगल समाज से, वो भी राजपूत समाज से, और वो जो लड़का था वो वहाँ पे आदिवासी समाज के जो लोग थे वो वहाँ मजदूरी करते हैं रेत निकालने में, आज भी वहाँ मजदूरी करते हैं 5,000 मजदूर। तो नीचे पानी में जाते हैं तो उनको शराब चाहिए, तो 2-3 वो क्वार्टर पीते ही हैं, तो वो वहाँ पे अवैध शराब का धंधा था उसका, बहुत बड़ा कारोबार। तो इतना बड़ा कारोबार जो 5,000 लेबर को वहाँ पे शराब बांट रहा है, पिला रहा है 2 नंबर से, क्या बगैर पुलिस प्रशासन के, बगैर शासन के सपोर्ट के ये काम कर सकता है? वो नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि और भी उसके जो समाज के लोग हैं वहाँ पे मुलजिम अभी खुले घूम रहे हैं, वो उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं। मेरे पास उनका लड़के का फ़ोन आता है जो संतोष अखेरा बचा है, कि साहब हम मजदूरी करने जाते हैं, अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारी जान को खतरा है, हमारी ये सुरक्षा करवाई जाए। इसके लिए तो हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि साहब मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया है, और 12 तारीख को वहाँ के व्यापारी वर्ग ने नेमावर बंद किया, इसलिए कि 10 तारीख को वहाँ और आंदोलन हुआ था, भीम आर्मी वाले भी आए और भी लोग आए, तो वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ना आए, शहर बंद किया कि हमें इससे कोरोना फैल जाएगा, पर ये 5 लोग मर गए इस पर उनका कुछ वो ही नहीं है। और उसी दिन वहाँ पे कमल पटेल जाता है, वो ये पूरी सिर्फ सेटिंग करता है कि बाहर के लोग आ रहे हैं तो इनको आने से रोका जाए, तो उन्होंने व्यापारी वर्ग जो उनसे जुड़ा हुआ है उसको उन्होंने सलाह दी कि आप शहर बंद करो, इसलिए कि लोग भारत के आगे आंदोलन ना करें। यानी SC ST के जो संगठन वह आंदोलन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए वह आंदोलन होता है, तो BJP का और RSS का वहाँ बड़े बड़े नेता उसमें बात भी हुई है, वो उसमें मिले हुए हैं, उस लड़के का सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे अपराधियों को बचा रहे हैं, और आज भी 5-6 अपराधी खुले घूम रहे हैं, जिससे जो परिवार के लोग बचे हुए हैं उनकी जान को खतरा है। उसके पिताजी तो सीधा है ना, पिताजी ने धमकी दी, उसकी माँ का उस पर उसकी बहन से मेरी बात है। आपके पास ऐसा कुछ उन्होंने दिया है क्या? जी हाँ, मेरे को मोबाइल में लिख के दिया उसने, मेरी जान को खतरा है, मोबाइल बता ना। पुलिस ने जहाँ से वो गाड़ी से लाया है तो सामने वहाँ पे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स है, वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ था, फिर चौराहे का कैमरा लगा हुआ था, फिर जो लड़की रहती थी वहाँ पे हरदा में, वहाँ वो लड़के का आना जाना था, उस बिल्डिंग के कैमरा पुलिस ने तोड़े हैं, तो CCTV फुटेज तो हैं, वो कहाँ गोल हुए हैं। फिर वो जो आशीष शर्मा जो विधायक था और वहाँ पे जो थाना प्रभारी है और SDOP है, उनके बीच में बात होती थी और इन सब मुलजिम की भी बात होती थी, तो पुलिस इसमें मिली हुई है, उन सब की जो है कॉल डिटेल्स निकाल कर और उनकी जांच की जाए, CBI जांच होना चाहिए, क्योंकि अभी जो फैक्ट है वही बदल दिए गए। FIR आपने पढ़ी, FIR में ये लिखा हुआ है कि जो 2 बच्चे जो नाबालिग मरे हैं, एक और नीतू के, तो वो ये कह रही है 19 तारीख को कि वो रूपाली मेरे बच्चों की शादी जबरदस्ती करवाना चाहती थी। अरे 47 दिन बाद वो व्यक्ति, उनकी लाश निकल रही, उसको कैसे पता जबरदस्ती शादी कराना चाहती? वो बात उसने ये बोली कि ये शादी के बहाना करके ले गया, और पुलिस वहाँ उल्टा लिखती है, तो पुलिस अभी भी बचा रही है। तो हमारी डिमांड है कि इसकी CBI जांच हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसकी स्पेशल कोई ऐसा जज बैठे वो भी ईमानदार हो, क्योंकि अभी तो हम जुडिशरी में वकील हैं, हम जानते हैं कि बहुत, अब उसमें हम कहना नहीं चाहते, पर यह है कि कोई अच्छे जज को बिठा करके और इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनको जांच की है, और अभी मुलजिम बाहर घूम रहे हैं। यानी आप ये चाहते हैं कुल मिलाकर कि आप इच्छुक हैं आप एक अधिक। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।